मेजर ध्यानचंदः हॉकी खेलस्य महान क्रीडकः आसीत्। अद्य देशः तदीयं जन्मदिनं राष्ट्रिय खेल दिवसत्वेन आमानयति। अधिदेशं विभिन्नानां कार्यक्रमाणां आयोजनं विधीयते। मेजर ध्यानचंदस्य नेतृत्वे भारतेन त्रिवारं ओलंपिक स्वर्ण पदकानि विजितानि आसन्। भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य त्रिपुरा असम राज्ययोः यात्रायै गमिष्यति। सः अगरतलायां जनजाति जनसभां संबोधयिष्यति। सममेव गुवाहाटी नगरे भाजपा दलस्य उत्तरपूर्वीय कार्यालयं उद्घाटयिष्यति। पाकिस्ताने जलाधिक्यस्य दुष्प्रभावः, मृतकानां संख्या 1000 अतिक्रांता। प्रशासनेन साहाय्योद्धार कार्येभ्यः सैनिकाः उपकल्पिताः। पाकिस्तानस्य विदेशमंत्री उक्तवान् स्थितिं सम्मुखीकर्तुं वित्तीय सहायतायाः आवश्यकता। यूक्रेन देशम् आलक्ष्य रूसस्य आक्रमणं प्रवर्तमानमस्ति। जापोरिज्या परमाणु ऊर्जा संयंत्रं निकषा गोलिका प्रहारः। रूस सेना द्वारा निप्रो क्षेत्रे इंधन भंडारण सुविधाः अपि विनष्टाः। डोनेस्क स्थलस्य पृथक क्षेत्रेषु अपि रूस सेनायाः आक्रमण आचारः। भारतेन विजयेन सह एशिया कप इति स्पर्धायाः शुभारम्भः कृतः। स्वीये प्रथमे एव द्वन्द्वे पाकिस्तानं पंच क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराजितम्। हार्दिक जडेजा इत्यनयोः अद्भुत प्रदर्शनेन भारतस्य जयः प्रधानमंत्री मोदी वर्धापितवान्। अभिवादये अहमस्मि लता, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। मेजर ध्यानचंदः हॉकी खेलस्य महान क्रीडकः आसीत्। अद्य तदीयं जन्मदिनम् अस्ति। प्रतिवर्षं ऑगस्ट 29 दिनांके देशः तदीयं जन्मदिनं राष्ट्रिय खेल दिवसत्वेन आमानयति। अत्रावसरे अधिदेशं विभिन्नानां कार्यक्रमाणां आयोजनं विधीयमानम् अस्ति। अवधेयं यत् मेजर ध्यानचंदस्य नेतृत्वे भारतेन अनुक्रमं त्रिवारं ओलंपिक स्वर्ण पदकानि विजितानि आसन्। भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य अगरतलायाः यात्रां विधास्यति। यात्रावधौ विभिन्नेषु स्थलेषु तस्य अभिनन्दन समारोहः आयोजयिष्यते। जेपी नड्डा त्रिपुरा विश्वविद्यालयं निकषा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य, पंडित दीनदयाल उपाध्यायस्य च मूर्तयोः माल्यार्पणं करिष्यति। अपि च उदयपुरे प्रातःकाले ऐतिहासिक माताबारी देवालये पूजार्चनां करिष्यति। ततः सार्धैकादशवादने भाजपायाः अगरतला कार्यालये पत्रकार सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। मध्याह्ने एकवादने खुमुलवांग स्थले जनजाति जनसभां अपि सम्बोधयिष्यति। प्राशासनिक विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च हिजाब प्रतिबंध विषयस्य कर्णाटकस्य उच्चतम न्यायालयस्य निर्णयम् आलक्ष्य सर्वोच्च न्यायालये अद्य वादश्रवणं भविष्यति। अवधेयं यत् भारतस्य नवनिर्वाचितस्य मुख्य न्यायाधीशस्य यूयू ललितवर्यस्य कार्यकालस्य अद्य प्रथमः दिवसः भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने गुजरातस्य कच्छ जनपदे अनेकासां परियोजनानां उद्घाटनं अथ शिलान्यासं विहितवान्। भुजस्थले प्रधानमंत्री प्रायः 44 शतकोटिरूप्यकाणां व्ययेन निर्मितानां परियोजनानां उद्घाटनं कृतवान्। एतत् स्मृतिवनाख्यः संग्रहालयः कच्छ जनपदस्य भुजक्षेत्रे भुजियो पर्वते निर्मितः अस्ति। एषः संग्रहालयः 1200तमे वर्षे गुजराते भूकंपेन मृतेभ्यः 13000 अधिकेभ्यः जनेभ्यः श्रद्धांजलित्वेन समर्पितः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्मृतिवनस्य उद्घाटनं कृत्वा संबोधितवान्। एकविंशति वर्षपूर्वं सम्मुखीकृतां आपदां स्मृत्वा सः भावुकः दरिद्रिष्टः। आज मन बहुत
बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ भुजियो डूंगर में स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की गुजरात की पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। अत्रांतरे प्रधानमंत्री नवनिर्मितस्य संग्रहालयस्य निरीक्षणं कृतवान्। स्मृतिवनस्य सर्वेपि प्रमुखाः भागाः अवलोकिताः। अवधेयं यत् स्मृतिवनस्मारकः अयं स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पितः अस्ति। दो दशक पहले कच्छ ने जो कुछ झेला और उसके बाद कच्छ ने जो हौसला दिखाया उसकी हर झलक इस स्मृति वन में है। जिस प्रकार जीवन के लिए कहा जाता है वयम अमृतस्य पुत्रा की हमारी कल्पना है, चरैवेति चरैवेति का मंत्र हमारी प्रेरणा है, उसी प्रकार से ये स्मारक भी आगे बढ़ने की शाश्वत भावना से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ विश्वविद्यालय प्रथम स्थापना दिवस समारोहे भागम गृहीतवान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ विश्वविद्यालय कुलाधिपति अपि अस्ति। समारोहं संबोधयन् योगी आदित्यनाथः राष्ट्रिय शिक्षा नीत्यानुसारं छात्रान् शोधाय विकासाय च संप्रेरितवान्, येन भारतं शिक्षा स्वास्थ्य प्रभृतिषु क्षेत्रेषु अधिविश्वं अग्रगण्यं भवेत्। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे, यही तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, फिर अपने रिसर्च को पेटेंट कराना और पेटेंट करा करके फिर अपने को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के संस्थान के रूप में स्थापित करना। यह विश्वविद्यालय और सभी संस्थाएं अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ेंगी तो सचमुच भारत शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्लोबल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गतदिने गुजराते स्वीय संसदीय क्षेत्रे गांधीनगरे विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु सम्मिलितः अभवत्। गृहमंत्री अमित शाह तत्र गांधीनगरे राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालयस्य स्नातक समारोहे अपि सम्मिलितः अभवत्। कार्यक्रमं संबोधयता अमित शाहेन प्रोक्तं यत् राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालयं आगामी वर्षेषु विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयं भविष्यति। पहले गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और अब राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। जिस गति से सभी परिमाणों में सभी डायमेंशन प्रगति कर रही है और विश्व भर में जिस प्रकार से एक्नोलेजमेंट हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दशक के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी विश्व में अपना स्थान एक नंबर पर सुनिश्चित कर लेगी और आपको भी गर्व होगा।
गृहमंत्री अमित शाह छात्रान् प्रति प्रोक्तवान् यत् सौभाग्यमिदं यत् स्वतंत्रतायाः अमृतकाले भवन्तः स्वोपाधयः प्राप्नुवन्ति। आज यहाँ पर 1132 विद्यार्थी 21 देशों से और इसमें 91 विदेशी छात्र भी हैं, वो फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान अर्जित कर उसमें एक्सपर्ट बनकर आप समाज के बीच में जा रहे हैं। आप सबके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि आपको डिग्री आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मिल रही है। यही साल है जिसमें सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारा देश आजाद हुआ। अस्मिन् समये पाकिस्ताने संकट स्थिति वर्धमाना दृश्यते। राजनीतिक संकटस्य आर्थिक संकटस्य पश्चात अधुना जलप्लावन स्थिति तत्र गभीरा संजाता। भीषण जलप्लावन कारणात् तत्र सहस्राधिकाः जनाः कालकवलीभूताः, त्रिकोटितोप्यधिक जनाः च दुष्प्रभाविताः जाताः। अमेरिकायाः ह्यूस्टन नगरे संजातेन गोलिका वर्षणेन चतुर्जनाः मृत्युमुपगताः, द्वौ अन्यौ च व्रणितौ। आरक्षिदलानुसारं ह्यूस्टन नगरे भवनात् निष्कासितेन एकेन जनेन पञ्च आवासीजनान् आलक्ष्य गोलिका प्रहारः कृतः, येन त्रयः जनाः मृताः। आरक्षिप्रमुखः ट्रॉय फिनर इत्येषः प्रोक्तवान् यत् इयं घटना शनिवासरे रात्रौ एकवादने ह्यूस्टन नगरे दक्षिण पश्चिम स्थलस्थे मिश्रित औद्योगिक आवासीय स्थाने दुरापादिता। यूक्रेन देशे जापोरिज्या परमाणु ऊर्जा संयंत्रम निकषा डेनिप्रो नद्याः तीरे स्थितेषु स्थलेषु रूस सेनया भीषण गोलिका प्रहारः कृतः। यूरोपस्य बृहत्तमस्य परमाणु संयंत्रस्य समीपे संजातेन गोलिका वर्षणेन संपूर्णं विश्वं चिंताकुलं वर्तते। अपि च अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा समवायस्य विशेषज्ञानां दलं सुरक्षाकारणात् रविवासरे अपि संयंत्रं नैव गतम्। यूक्रेन राष्ट्रपतिः जेलेंस्की उक्तवान् यत् रूस द्वारा दुरापादितेन आक्रमणेन डोनबास नगरं प्रायः विनष्टम्। इत्थं रूस देशेन मानवजीवनस्य विनाश भूमिका निर्मिता। जेलेंस्की एतदपि कथितवान् यत् सः देशस्य रक्षा सुरक्षा क्षेत्राणां प्रतिनिधिभिः समं मन्त्रणां समाचरितवान्। अत्रान्तरे तेन कथितं यत् रूस देशस्य अत्याचारं यूक्रेन देशः न कथमपि सहिष्यते, दोषिणः विरुध्य कठोर पदक्रमाः उत्थापयिष्यन्ते। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम इति क्रीडांगणे गतरात्रौ एशिया कप 20-20 स्पर्धा आयोजितं गता, यत्र भारतेन पाकिस्तान दलं पञ्च क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराभूतम्। अस्मिन् द्वन्द्वे पाकिस्तानेन भारतस्य समक्षं 48.1 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। स्पर्धायां भुवनेश्वर कुमारः चतुः पाकिस्तानीय क्रीडकान् पराजितवान्। तत्रैव हार्दिक पांड्या क्रीडकत्रयम् अथ अर्शदीप सिंहः क्रीडकद्वयं पराजितवन्तौ। भारत पक्षतः हार्दिक पांड्या 33 धावनांकान् समर्ज्य अविजितः स्पर्धानायकः संवृत्तः। एशिया कप इति चषक स्पर्धायां भारतस्य रोमांचकं जयम् अवलम्ब्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्धापितवान्। स्वीये ट्वीट संदेशे प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् भारतीय दलेन ऐषमः एशिया कप प्रतिस्पर्धायां अद्भुतं प्रदर्शनं कृतम्। दलेन अद्भुत कौशल धैर्य प्रदर्शन पूर्वकं विजयोयम् अधिगतः। दलाय शुभकामनाः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।